नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्रैल थर्ड वीक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इन ऑप्शंस में आपको चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 142। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज़ साइंड ए टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टाइटल सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासा का एक एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर है जिसका नाम इंजीनिटी है। ये पहली बार पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट नासा के द्वारा किया गया है। ये किस प्लैनेट पे किया गया है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है मार्स पे। हाल ही में नासा का ये एक एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर है जिसने पहली बार पूरी तरह से ह्यूमन कंट्रोल पावर्ड वहाँ पे फ्लाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP इस्टेब्लिश एट विच डैम। ओके, सो ये किस डैम पे इस्टेब्लिश किया गया है? दैट इज़ टेहरी डैम। आप बताइए ज़रा कि टेहरी डैम किस नदी पर बनाया गया है और ये किस स्टेट में है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट इंडियन वोमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा इन जो नेपाल में है। पहली कौन सी भारतीय महिला है जो नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत को स्केल किया है, मतलब वहाँ पर चढ़ाई की है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका मोहिते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो भारत की क्या रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? करेक्ट आंसर है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI सेटअप कमेटी टू रिव्यू वर्किंग ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, द पैनल विल बी हेडेड बाई। करेक्ट आंसर है इसका सुदर्शन सेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप। ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है हाल ही में? श्री पीयूष गोयल जी। इसका करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज़ अपॉइंटेड विच होम ग्रोन पेमेंट्स प्लेयर टू फैसिलिटेट इट्स डिजिटल पेमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है पेटीएम। रिसेंटली LIC ने पेटीएम के साथ किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेक वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म। किस देश ने हाल ही में फाइनेंशियल फर्म के क्लाइमेट चेंज के लिए एक नया कानून बनाया, उसका नाम है? करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ऐसा जल्दी ही किया है अभी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिटेरिएटेड द कमिटमेंट ऑफ द स्टेट टू अचीव द हर घर जल टारगेट बाई 2022। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब ने ऐसा टारगेट अभी जल्दी बनाया है। अगला क्वेश्चन है, नासा अवार्ड हाउ मच बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट टू SpaceX फॉर इट्स आर्टेमिस प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है $2.9 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। इटली ने एक फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को इंडिया में लॉन्च करने का ऐलान किया है। आप ये क्या कमेंट में बता सकते हैं कि किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में किया जाएगा, कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हैज़ बीन री अपॉइंटमेंट एज MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है मुरली नटराजन। ओके, मुरली नटराजन को RBI ने फिर से रीअपॉइंट किया है MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द जेंडर संवाद इवेंट? तो किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में ये संवाद लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केयर रेटिंग हैज़ फॉरकास्टेड इंडियाज़ GDP ग्रोथ हाउ मच परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? तो इसका करेक्ट आंसर है सर 10.2%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रोब्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा? प्यूमा एक ब्रांड है जिसको दो लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सॉरी, मैंने आंसर ही बता दिया। इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल में ई है, जिसमें वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पेडिकल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2021 का? 2021 का थीम क्या है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रीस्टोर अवर अर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड ए ग्रांट ऑफ 81.2 मिलियन रुपीज अंडर द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड बाय एक्लेमेशन टू 3 बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट इंडेक्स? इसमें इंडिया की क्या रैंक है? करेक्ट आंसर इसका है सी, 87। ओके, आप कमेंट में अगर बता सके तो बताइए इसकी पहली और आखिरी रैंक कौन से देशों की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज़ एस्टिमेटेड द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट हाउ मच परसेंट इन द करेंट फिजिकल ईयर, मतलब 21-22? तो इसका करेक्ट आंसर है 11%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाई द हेग बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स? तो इसका करेक्ट आंसर है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी इस हाल ही में जम्मू कश्मीर ट्रेटरी जब बनाई गई थी तो इसमें इनको लेफ्टिनेंट चूज किया गया था, और अभी हाल ही में भारत की कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के हेड हैं, मतलब ये कैग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इशूड ए शोकेस नोटिस प्रायर टू कैंसलिंग द लाइसेंस ऑफ फ्रॉड हिट टू विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज आंसर इज सी, संबंध फिंसर प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द NASSCOM? NASSCOM का चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है बी, मतलब रेखा एम मेनन को अभी NASSCOM का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एंड्रॉ, शॉर्ट नेम इसका, प्रोजेक्ट इंडिया GDP ग्रोथ रेट हाउ मच परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 10.1%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI रिसर्च प्रोजेक्ट इंडिया GDP ग्रोथ रेट हाउ मच परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? तो SBI ने हाल ही में प्रेडिक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ 2022 के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 10.4%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट एटनू चक्रवर्ती एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच प्राइवेट बैंक? तो करेक्ट आंसर HDFC बैंक। HDFC बैंक को इनको इंटरिम चेयरमैन बनाया गया। ये आप इस वीडियो का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड यूनाइटेड नेशन स्पेनिश लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? तो इसका करेक्ट आंसर है 23rd अप्रैल। 23rd अप्रैल को यूनाइटेड नेशन का इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेनिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इन वीडियोस, ये वीडियो पर्पस है केवल वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का, जिसका एडवांटेज IBPS के वेरियस मेंस एग्ज़ाम्स में होता है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा। और अगर आप इसी तरह करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना चाहते हैं तो इसको बेनिफिट मिले, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।